का इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे ही, ये है यहाँ की किचन और यहाँ पे किचन में ऐसे कुछ फिक्स अप्लायंसेस मिलते ही है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं सुबह उठ के डायरेक्ट कॉलेज में ही आ गई क्योंकि मुझे एक असाइनमेंट करना था। तो वो फ्रेंड्स के साथ बैठ के मुझे बहुत सारे डाउट थे तो वो डाउट पूछने थे, तो हम ऐसे साथ बैठे थे कॉलेज में और अभी वो असाइनमेंट कर लिया है। अच्छा हुआ वो हो गया, एक टेंशन था मुझे। और अभी बाकी के और बहुत सारे असाइनमेंट है पर उस असाइनमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था और बस ये सिर्फ लाउंज में अभी बैठी थी। अभी मैं मेरे एक फ्रेंड के घर जाती हूँ, वहाँ पर मुझे रूम टूर का वीडियो शूट करना है और फिर बाद में मेरी एक अपॉइंटमेंट है, उसके बाद मेरा लेक्चर है। तो सुबह से मैंने चाय भी नहीं पी है क्योंकि चाय पत्ती खत्म हो गई थी और चाय पत्ती नई लाने का टाइम ही नहीं मिला। और अभी फ्रेंड के घर जाके चाय बना के चाय पी लूँगी। ये देखिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे कॉलेज का लोगो। यहाँ पर मैं यूजुअली फ़ोटो निकालती हूँ तो ये ऐसे पीछे का बैकग्राउंड वगैरह आ जाता है और ये व्यू भी अच्छा है। यहाँ पर फ्लावर वगैरह लगाते हैं पर सब अभी काट दिए गए हैं। ये है चिक फ्ले, तो ये नया ओपन हुआ है और इसकी वजह से जो भी नए स्टूडेंट आए हैं ना उनको ऑन कैंपस जॉब मिली है यहाँ पर। आज सुबह असाइनमेंट बना ली जो कि होमवर्क वन था। ऐसा है कि वो होमवर्क हम कभी भी सबमिट कर सकते हैं, बस कोर्स एंड होने से पहले सबमिट करना है। तो कभी डेडलाइन होती है तो हम कैसा फटाफट कर लेते हैं, पर जब डेडलाइन नहीं होती है तो ऐसे ही फिर दूसरे इम्पॉर्टेंट काम याद आ जाते हैं। तो बस अभी तो फोकस करके सारे असाइनमेंट कम्प्लीट करने हैं। तो मैंने तो रोज़ का एक असाइनमेंट करने का डिसाइड किया है, पर देखते हैं होगा या नहीं होगा। ये है मोंटे आहूजा कॉलेज, यहाँ पर MIS के क्लासेस होते हैं। और ये रही स्कूल बस। ये है द एज, ये कॉलेज हाउसिंग के अंडर आता है। तो अगर आप कभी क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी पढ़ने आते हो तो आपको इस बिल्डिंग में भी रूम मिल सकती है। तो आज आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ के रूम कैसे होते हैं। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको होम टूर दूंगी। ये जो होम है, मतलब यहाँ पर हम इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडियन स्टूडेंट US में कैसे रहते हैं। तो सबसे पहले अभी हम एंटर होते हैं, ये है मेन एंट्रेंस और ये अपार्टमेंट जो है कॉलेज की तरफ से मिला हुआ है। एंटर होते ही यहाँ पर है वॉशिंग एरिया, देखिए यहाँ पर है वॉशिंग मशीन और ड्रायर। US के घर में वॉशिंग मशीन और ड्रायर अवेलेबल होते हैं। मेरे अपार्टमेंट में कॉमन वॉशिंग मशीन और ड्रायर है, तो किसी किसी रूम में साथ में ही वॉशिंग मशीन और ड्रायर मिलते हैं। यहाँ पर है एक बेडरूम जो कि हम बाद में देखेंगे, तो अभी सबसे पहले इस एरिया में चलते हैं। ये है लिविंग एरिया और यहाँ पर है किचन, वो तो हम किचन भी हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लिविंग एरिया देखते हैं। ये है लिविंग एरिया, बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी नहीं है पर नॉर्मली यहाँ पर आप बैठ सकते हो फ्रेंड्स के साथ। तो लिविंग एरिया में यहाँ पर ये सोफ़ा और ये टेबल वगैरह और टीवी साथ में ही आई है इसी रूम में, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड है। तो मैं रिजर्व स्क्वायर में रहती हूँ तो मेरे यहाँ पर ऐसे सोफ़ा वगैरह नहीं मिलता है, प्लेन लिविंग एरिया मिलता है। ये यहाँ पर विंडो है, बाहर से अच्छा खासा व्यू दिख रहा है, पार्किंग भी है यहाँ पर, देखिए पार्किंग सिस्टम यहाँ की। तो ये छोटू सा मंदिर इन्होंने बनाया, तो यही अपने इंडियन लोगों की खासियत होती है, हम अपने कल्चर को नहीं। लिविंग रूम के साइड में ही है ये स्टडी रूम, पर यहाँ पर इन्होंने ये अपनी चीज़ें रखी है, तो इन्होंने स्टडी रूम नहीं बनाया है। आप चाहे तो स्टडी रूम भी बना सकते हो। लिविंग रूम के साथ में ही है ये ओपन किचन, तो अभी हम किचन देखते हैं। ये यहाँ पर ऐसा डाइनिंग एरिया है, ये है यहाँ की किचन और यहाँ पे किचन में ऐसे कुछ फिक्स अप्लायंसेस मिलते ही है जो कि बेसिक नेसेसरी होती है। तो जैसे कि यहाँ पर ये है डिश वॉशर, साथ में ये है माइक्रोवेव और ये गैस, यहाँ ओवन है और ये जो गैस है वो कॉइल वाली है और साथ में ये फ्रिज।
ये है बेडरूम जो कि यहाँ पर देखिए सातवें यहाँ पर स्टडी टेबल, एक क्लोजेट जो कि अच्छा खासा स्पेस होता है तो एक लोगों के कपड़े तो आराम से आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर स्पेस भी अच्छा खासा है। तो अभी इस साइड पे है बाथरूम, तो ये रहा बाथरूम एरिया जो कि एकदम नॉर्मल ही है और यहाँ पर बाथटब का सिस्टम होता है। तो मैंने आपको क्विक में तो होम टूर दे दिया है, तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। ये जो अकोमोडेशन है कॉलेज की तरफ से मिलता है नए स्टूडेंट को, तो इस अकोमोडेशन के लिए 4 महीनों के लिए $4,000 पे करने होते हैं, यानी कि 1 मंथ का रेंट हो गया आपका $1,000 जो कि होता है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 82,000 का। इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं होती है क्योंकि स्टूडेंट है, इमिग्रेंट है, यहाँ पर रह रहे हैं, कभी फिर रूम चेंज करना होता है तो इतना बहुत अपने जैसे घर में होता है, जैसे अपनी मम्मी वगैरह सब कुछ अच्छे से रखती है वैसा नहीं होता है। यहाँ पर बस लिमिटेड चीज़ों में सब कुछ मैनेज करना होता है। तो बस ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। मैंने अभी रूम शूट का वीडियो बना दिया और अभी क्लास के लिए जा रही हूँ, अभी एक लेक्चर है, यहाँ पर लेक्चर हो रहा है और मेरा क्लास है इस साइड में। ये रहा मेरा क्लासरूम। तो लेक्चर हो गया है, अभी मैं कॉलेज में बैठ के असाइनमेंट कर रही हूँ। अभी मैं इंडियन स्टोर जा रही हूँ, सब्जी वगैरह खत्म हो गई है और एक दो चीजें भी लेनी है। मैंने इंडियन स्टोर से सब्जी वगैरह खरीद ली है और अभी घर जा रही हूँ, वहाँ पर व्लॉग बनाना है, ये ध्यान में ही नहीं था। थक गई हूँ मैं घर, आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आज डिनर भी नहीं है, अभी डिनर बनाना है, थोड़ा फ्रेश होती हूँ। आज मैंने बनाई है लहसुनी मेथी और यहाँ पर अभी चावल बन रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते जल्दी नए वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अभी मैं हूँ मेरे फ्रेंड के रूम फ्री में, मतलब इस इनको यहाँ पर रूम के साथ ही टीवी मिली है। तुला काय मदा मदत बोलायचं असेल तर तू बोलू शकतो। ये या हाँ हे पण नको ठीक है। तो इस अपार्टमेंट में या फिर यहाँ पर मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट में फ्रिज, ओवन और फिर ये गैस और नहीं था most of the